Hello beauties, this is Siksha and welcome back to my channel. Today I'm going to tell you my skin routine. तो क्या करती हूँ मैं अपनी skin routine के लिए morning to night, वो मैं आज आपको बताऊंगी. तो start करती हूँ मैं सबसे पहले अपना दिन इस cleanser के साथ. ये क्लियर कॉम्प्लेक्शन अवीनो का क्लिंजर है. मैंने इसके पहले बहुत सारे क्लिंजर और फेस वॉश ट्राई किए, बट उसके बाद भी मुझे बहुत सारे पिंपल आ रहे थे. पर जब से मैंने इसे अवीनो के क्रीम क्लिंजर को लगाना स्टार्ट किया, लिटरली जो पिंपल्स थे वो भी चले गए हैं एंड इसके दाग भी धीरे धीरे जा रहे हैं. आई एम वेरी हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट. हल्का सा अपने फेस को वेट कर लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा ये क्रीम क्लिंजर लीजिए और इसको आपको 20-30 सेकेंड अपने फेस पे हल्के से मसाज करना है. हमेशा जब भी आप कोई क्रीम लगाएं या फिर कोई फेस वॉश लगाएं, बहुत स्मूथली टच करें एंड यस, हमेशा अपने फेस को साफ हाथों से छुएं. 30 सेकेंड्स हो गए हैं, अब मैं फेस वॉश करके आती हूँ आपके पास. अब मैं करूँगी अपनी स्किन को एक्सफोलिएट, मीन्स आप स्क्रबिंग भी कर सकते हैं. स्क्रबिंग के लिए और एक्सफोलिएटिंग के लिए मैंने ओले का पिटाया एंड क्रैनबेरी सीड्स एक्सफोलिएटिंग फेस एंड बॉडी पाउडर लिया है. आप क्रीम भी ले सकते हैं और ये बहुत जेंटल है फेस पे और ये पाउडर फॉर्म में है. आप इसे थोड़ा सा लीजिए और इसे लेके आप पहले थोड़ा सा गीला कर लें. और हमेशा अगर आपका ये पाउडर वाला एक्सफोलिएटर है तो इसके लिए ज़रूर क्लोज कर दें और इसे थोड़ा सा अपने हाथों में रख करके फेस पे ऐसे लगा लें. सो स्मूथ एंड इसकी खुशबू इतनी अच्छी है, आई लव इट. और अब मैं ये यूज़ करूँगी ये रोलर. अगर आप मॉर्निंग में उठते हैं और देखते हैं आपकी फेस या आपकी स्किन थोड़ी सी स्वेल है, थोड़ी सी पफी फूली सी लग रही है, तो आपको भी ये रोलर यूज़ करना चाहिए क्योंकि सो के उठने के बाद बहुत लोगों की स्किन बहुत फूली फूली सी लगती है. उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ ये रोलर. आप कोई भी रोलर ले सकते हैं, लाइक चबी चीक्स मेरी तरह, तो आप भी ऐसे रोलर को यूज़ कर सकते हैं मॉर्निंग में. इसका मैं ये बड़ा वाला पार्ट निकाल के आई पे रोल करने के लिए उसे सेट करूँगी. इसे आईज पे आप स्मूथली और जेंटली प्रेस करिए जिससे आपकी आईज की पफिनेस दूर होगी. और इसी के साथ मुझे मिला है ये ग्वाशा. ये भी एक स्टोन है और इसका ये जो शेप है ये आपके स्पेशली चिन के लिए बना है. इसकी डबल चिन आ रही है, मेरी चिन हल्की हल्की है और ये ज़्यादा ना हो इसलिए मैं इसे ज़रूर यूज़ करती हूँ दिन में एक बार कम से कम. इसे आप अपने फेस को लिफ्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आईज को, आईब्रो को मसाज करने के लिए, लिफ्ट करने के लिए. नाउ टर्न ऑफ अ गुड सीरम. ये द इंकी लिस्ट का सीरम है. बहुत अच्छे इंकी लिस्ट के प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं. मैं बहुत हैप्पी हूँ इनके साथ. मैं एटलीस्ट 2 मंथ से इन्हें ट्राई कर रही हूँ और थोड़ा सा अमाउंट लेना है आपको सीरम का. सीरम इज वेरी नेसेसरी. दिस इज द इंकी लिस्ट Q10 सीरम. ये आपको सिपोरा में मिल जाएगा. मैंने सिपोरा से ऑनलाइन ऑर्डर किया था और इसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं और ये सिर्फ 699 का है, तो यू कैन ट्राई इट एंड दिस वन इज सो गुड. और अगर आप मॉर्निंग रूटीन कर रहे हैं तो एक सीरम की बहुत ज़रूरत है आपको. और इस तरह के सीरम से आपकी स्किन ब्राइट होती है, डार्क स्पॉट जाते हैं. और अगर मॉर्निंग में आप इस तरह का कोई सीरम लगा रहे हैं तो उसके बाद बहुत ज़रूरी है कि आप एक अच्छा मॉइस्चराइज़र लगाएं. तो मॉर्निंग में अगर आप कोई सीरम लगा रहे हैं या विटामिन सी लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि उसके बाद एक अच्छा मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं. इसमें SPF 15 है. तो अगर आप वर्किंग वूमेन हैं, इवन स्टूडेंट हैं, तो दिस इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू. चाहे समर हो चाहे विंटर हो, SPF ज़रूर लगाएं. और जो SPF आप अपने फेस पे लगा रहे हैं वो अपने नेक पे, नेक के पीछे और अपने हाथों पे भी ज़रूर लगाएं क्योंकि सन जहाँ जहाँ आपकी बॉडी ओपन है बहुत इफेक्ट करता है. अब मैं लगाऊंगी एक आई क्रीम. ये लॉरियल की रिवाइटा लिफ्ट आई थिंक आई क्रीम है और इसे आप हाथ से ना टच करें. एक क्यूपिड ले लें जिससे ईयरबड भी बोलते हैं और हल्का सा टच करके, बहुत थोड़ा सा प्रोडक्ट लगता है, और इसे मसाज कर दें. और पफी आईज आपको ये लगाना चाहिए क्योंकि आपकी आई सारा दिन जगती हैं, खुली रहती हैं, बहुत सारा काम करती हैं, तो आपको भी अपनी आईज का
ख्याल रखना चाहिए। लास्ट में लगाऊंगी एक लिप बाम, ये है पिंक का दुई रोज लिप बाम। दिस वन इज माय फेवरेट और ये बहुत जल्दी खत्म हो रहा है, मैं इसे बचा बचा के यूज कर रही हूँ। आई थिंक ये आना बंद हो गया है। ये थी मेरी मॉर्निंग रूटीन। इवनिंग रूटीन मीन्स नाइट रूटीन के लिए मैं आती हूँ आपके पास नाइट में। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय बेडरूम। आगे मैं फिर से अपना नाइट रूटीन बताने, और नाइट रूटीन के लिए आई हैव माय फुल मेकअप ऑन। तो सबसे पहले मैं रिमूव करूंगी अपनी फॉल्सीज मीन्स लैशेस। लैशेस को रिमूव करने के लिए आपको आप उसके जो बड़ा वाला हेयर का साइड है उधर से पकड़ के उसको धीरे से टुइंग से निकाल देना है। जितना टफ लगाना है उतना टफ निकालना नहीं है। ओके, तो ये निकल गई मेरी फॉल्सीज। और अब सबसे पहले मैं करूंगी अपने मेकअप को वाइप किसी भी फेशियल वाइप से, वेट वाइप से, और इसको हल्के हाथ से ऊपर की ओर ले जाके वाइप करना स्टार्ट किया। मैंने ऊपर ऊपर का मेकअप वाइप कर दिया है। अब मैं लूंगी ये गार्नियर का मेरा माइसेलर वाटर। मैंने आज हैवी आई मेकअप कर रखा है तो मैं इससे साफ करूंगी, क्योंकि ये बहुत इजीली आई मेकअप को रिमूव करता है। तो इस माइसेलर वाटर से मेकअप रिमूव करने के लिए आपको चाहिए होगा एक कॉटन, और ये किसी भी स्टोर में मिल जाएगा आपको इजीली। और इससे अपने आप टिश्यू को टिश्यू को कॉटन को उसको आपने एक साइड से कर लिया, अब इसे साइड से भी कर लीजिए। इसमें लगाने के पहले आप इसको थोड़ा सा शेक जरूर करें जिससे ये अच्छे से मिक्स हो जाए, और इसे पहले आप अपने स्किन पे अच्छे से एक बार वाइप कर लीजिए इसको, इससे जिससे जो बचा हुआ मेकअप है वो भी निकल जाएगा। ये देखिए, आपने वेट वाइप से, फेशियल वाइप से अपने मेकअप को हटाया है, स्टिल कितना सारा मेकअप इसमें निकला है। अब इस कॉटन पैड को लेके आप थोड़ी देर अपनी आईज पे रख लीजिए, जिससे थोड़ा सा जो आपका आई मेकअप है, मस्कारा है, इवन मस्कारा निकालने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो वो भी इससे थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा और इजली वाइप होगा। मस्कारा की जो सबसे ज्यादा लेयरिंग होती है आपकी लैशेस के नीचे साइड होती है, तो दूसरा वाला साइड जो थोड़ा सा साफ है आप उसको फोल्ड करके उसमें अपने लैशेस को थोड़ा सा विगल करिए, जिससे मस्कारे की जो लेयरिंग है वो अच्छे से निकल जाएगी। सेम आप इधर वाली आईज के लिए कीजिए। ये हो गया आपका सेकेंड क्लिंजिंग ऑफ योर फेस फॉर मेकअप। अब चलते हैं थर्ड पे। थर्ड के लिए अब आप ये मत सोचिए आपने दो बार ही फेस को वाइप कर लिया है तो आपका मेकअप रिमूव हो गया। नहीं, ऑलमोस्ट रिमूव हो जाता है, बट ऊपर ऊपर का आपके स्किन के पोर्स में जो गया है मेकअप वो कैसे निकालेंगे आप? तो उसके लिए मैं लगाती हूँ सेरावी का फोमिंग फेशियल क्लिंजर। ये डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं, बहुत अच्छा है, इसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं है। मेरे जैसे लोगों के लिए जिन्हें खुशबू और फ्रेग्रेंस ये बहुत प्यार है, बट स्टिल ये फेस के लिए बहुत अच्छा है। और मैं इसे ऑलमोस्ट 2 मंथ से लगा रही हूँ, और लिटरली मुझे जो भी पिंपल्स थे, आप देख रहे हैं जैसे कोई भी पिंपल नहीं है, और जो होते भी हैं पिंपल वो इजीली चले जाते हैं। जैसे कि डायरेक्शन में लिखा है आप इसे फॉलो कीजिए। अपने अपने फेस को आपको पहले थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर से वेट करना है, फिर इसका ये बहुत ट्रांसपेरेंट कलर का है जो दिख भी नहीं रहा, और इसे आपको अपने फेस पे सर्कुलर मोशन में आईज से दूर रख के क्लींस करना है। थोड़ा सा मसाज करने के बाद आप इस तरह की कोई भी फेशियल ब्रश के नाम से आती है, और इसे धीरे से चलाएं। वीकली 2 से 3 बार अगर आप हैवी मेकअप कर रहे हैं या आप बहुत बाहर जा रहे हैं तो इसे करें, क्योंकि इसके करने से आपके जो डार्क स्पॉट्स होते हैं या ब्रेकआउट होते हैं या बहुत जल्दी आपको रिंकल्स आ रहे हैं, इनग्रोन हेयर्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, वो सारी चीजें ये कवर करता है अगर आप इसको रेगुलर यूज करते हैं तो। ये देखिए, आपने अपने फेस को फेशियल वाइप से साफ भी किया था, उसके बाद आपने माइसेलर वाटर से भी फेस को साफ किया, मतलब मैंने, स्टिल कितना मेकअप इसमें निकल गया है। तो जो आपके स्किन के अंदर मेकअप गया है वो इससे निकलेगा, तो बहुत जरूरी है कि आप वीकली 2 टाइम्स इसे जरूर। ये हो गया, अब मैं फेस वॉश करके आती हूँ। वॉश कर लिया मैंने फेस, अब आप इसको टॉवल से डैप डैप करके ड्राई कर लें। फेस को बहुत ज्यादा खींचे बीचे नहीं, क्योंकि बहुत सेंसिटिव होती है आपकी फेस की स्किन, और इसे आप जरूरी है कि बहुत ज्यादा केयरफुली रखें।
सो ये हो गए फेस की क्लिनजिंग, आई एम फीलिंग सो फ्रेश। और इसके बाद आप कर लीजिए स्क्रबिंग, थोड़ी सी स्क्रबिंग भी फेस के लिए जरूरी है। ये ट्री हट का विटामिन सी शिया शुगर स्क्रब है, तो ये थोड़ा सा क्रीमी और स्टिकी है, थोड़ा सा लें इसे फेस के लिए, थोड़ा सा बहुत है। और इससे आप अपने लिप का भी मसाज कर सकते हैं, बॉडी का भी मसाज कर सकते हैं और फेस का तो कर ही सकते हैं। इसे हल्का सा लगाएं और सर्कुलर मोशन में लाइट हैंड से मसाज करें। नोज पे अच्छे से मसाज करें, क्योंकि नोज पे अगर आपको ब्लैक हेड्स बहुत आते हैं या व्हाइट हेड्स आते हैं, तो वीकली 2-3 times आपको नोज पे स्क्रबिंग करनी ही चाहिए। स्क्रबिंग डन, अभी फेस वॉश करने का टाइम। तो सारी वॉशिंग एंड क्लीनिंग एंड क्लिनजिंग हो गई, अब करेंगे फेस को टोन। तो टोनर के लिए मैं यूज कर रही हूँ आजकल लॉरियल पेरिस का डर्मो एक्सपर्टाइज एंड हाइड्रा फ्रेश टोनर। टोनर का काम पता ही आपको, आपकी स्किन को ये टोन करता है, हाइड्रेट करता है, इसके साथ साथ ड्राइनेस है उसको दूर करता है, मॉइस्चराइज रखता है, बहुत सारे काम ये करता है। इस तरह का कॉटन टिश्यू लें, थोड़ा सा टोनर डालें इसमें जिससे थोड़ा वेट हो जाए, और जब आप अपने फेस को स्प्लैश करें तो आपको तरो ताज़ा फील हो। इसकी रोजी जो खुशबू है मुझे बहुत पसंद है, आई लव रोज फ्रेग्रेंस। हो गया टोनर, अपनी उंगलियों से थोड़ा डैप कर लें अपने फेस को जिससे ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए। ड्राई हो गया ये, क्योंकि ये नाइट है। अब लगाएंगे हम स्किन पे एक विटामिन सी का अच्छा सीरम। ये आर्ट नेचुरल का सीरम है, इसमें एडवांस मॉइस्चराइजर प्लस ब्राइटनिंग फार्मूला है। और विटामिन सी मैं बार बार बोल रही हूँ स्किन के लिए अच्छा होता है, क्योंकि मुझे रिजल्ट दिख रहे हैं विटामिन सी के। और इसको आप थोड़ा सा ड्रॉपर से ही डालें, हाथ से लगाने की कोशिश ना करें कि आपने अपनी उंगली डाल दी इसमें और निकाल लिया, क्योंकि बहुत जरूरी है इसकी हाइजीन। विटामिन सी का फायदा क्या है, ऑल ओवर ये स्किन को बहुत प्रोटेक्ट करता है, उसके साथ साथ इसकी ब्राइटनिंग भी बढ़ाता है, डार्क सर्कल्स को दूर करता है, और जो आपके डार्क स्पॉट्स हैं उनको कम करता है, एजिंग से बचाता है। खासकर जो लोग 30+ हैं उन्हें विटामिन सी ज़रूर यूज़ करना चाहिए, ये आपकी स्किन को बैक टू नॉर्मल रखेगा, जैसे हमेशा आपकी स्किन रही है वैसे रखेगा और एजिंग लाइन नहीं आने देगा। अच्छे से हाथों से इसको लगा लें, और जब तक ये ड्राई ना हो तब तक आप इसके ऊपर कोई प्रोडक्ट ना लगाएं। इसके बाद मैं लगाऊंगी नाइट क्रीम, ये सेरावीक की नाइट क्रीम है, इसे आप ले लें फिंगर में। ये लग गई मेरी नाइट क्रीम। इसके बाद मैं लगाऊंगी एक आई क्रीम, ये द इंकी लिस्ट की आई क्रीम है, मैंने सुबह भी इंकी लिस्ट का सीरम दिखाया था, और ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं इंकी लिस्ट के, आप ट्राई कर सकते हैं, सिफोरा से आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएंगे। एंड लास्ट में मैं लगाऊंगी वर्ल्ड पीस का पोमेग्रेनेट मॉइस्चराइजिंग लिप बाम, और ये बहुत अच्छा है। और जब आप रात में सोते हैं तो सुबह सीधे 8-9 घंटे बाद ही सो के उठते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आपके लिप हाइड्रेट रहें। तो गर्ल्स, ये थी मेरी डे और नाइट रूटीन फॉर स्किन केयर, और मैंने जो भी प्रोडक्ट बताए हैं इनके लिंक्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप इन प्रोडक्ट्स को ट्राई कर सकते हैं अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है तो। और यस, आपको अपने स्किन का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप वर्किंग वूमन हैं या आप कॉलेज गर्ल हैं या फिर आप घर पे भी रहती हैं, स्टिल आपकी स्किन हमेशा एक्टिव होती है। ऐसा नहीं है कि आप घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं तो आपकी स्किन गंदी नहीं हो रही है, आपकी स्किन पे डस्ट भी जाती है, आपकी स्किन पे स्वेटिंग भी होती है, और धीरे धीरे एज बढ़ने के साथ साथ आपकी स्किन में डिफरेंस भी दिखते हैं। आपको ज़रूरत पड़ती है एक अच्छे स्किन केयर की, तो फॉलो कर सकते हैं आप इस स्किन केयर को। ज़रूरी नहीं है कि आप सेम प्रोडक्ट अप्लाई करें, जो प्रोडक्ट आपके आसपास आपकी मार्केट में अवेलेबल है आप उनसे अपनी स्किन की केयर करें। तो गाइस, बहुत हुई बकवास, आप नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सारी बात। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मेरी डे और नाइट की रूटीन अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसे एक थम्सअप दीजिए, और अगर आप न्यू है, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भी से बी हेल्दी, ओके, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू, स्वीट ड्रीम टू मी।